Hey guys, welcome again to my YouTube channel. और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं डकबिल प्रोफाइल क्रिकेट बैट के बारे में. मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, चाहे वो ओवरसीज के हो चाहे सब कॉन्टिनेंट के हो, वो डकबिल प्रोफाइल क्रिकेट बैट यूज करते हैं. अब डकबिल प्रोफाइल क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली ने कुछ दिन पहले एक फोटो पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसमें उन्होंने 4-5 बैट और एक पेयर ऑफ बैट्स रखे थे. वो बैट्स जो थे वो डकबिल क्रिकेट प्रोफाइल थी और हर्टवुड स्टाइल में था. तो उसी तरीके का सेटअप मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है. पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. MRF ग्रैंड एडिशन, MRF प्लेयर स्पेशल, MRF जीनियस एली ब्लू पैड्स. देखिए, दो न्यू गियर्स मैंने ऐड करे हैं अपने किट में. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पीछे का सेटअप अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज मैं किचन में हूँ तो पीछे मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप करा है कि वीडियो अच्छा आए. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि MRF ग्रैंड एडिशन के बारे में, जो कि एक डकबिल प्रोफाइल क्रिकेट बैट है. जो फुट क्लेफ्ट होती है वो टॉप से बॉटम तक, हैंडल पोर्शन अलग होता है, हैंडल अलग से लगाया जाता है फुट क्लेफ्ट में. ये एक फुट क्लेफ्ट है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें मैक्सिमम फुट जो है वो बैट में रहे, यानी कि मिनिमम फुट जो है इसका कटआउट करके बाहर निकाला जाता है. और डकबिल प्रोफाइल क्रिकेट बैट में जो टो होता है, यानी कि जो बैट का नीचे का हिस्सा होता है, वो काफ़ी थिक होता है. और डकबिल प्रोफाइल क्रिकेट बैट की जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो डकबिल प्रोफाइल बैट यूज़ करते हैं. और इस बैट के जो एजेस हैं वो 40 mm इसका एज है और 65 mm इसका स्पाइन है. आप देख सकते हो ये ग्रैंड एडिशन प्लेयर प्रोफाइल ग्रेड ए क्रिकेट बैट है. नेक्स्ट मैं डकबिल प्रोफाइल में बात करूँगा प्लेयर स्पेशल की, MRF प्लेयर स्पेशल. और प्लेयर स्पेशल में ये भी एक डकबिल प्रोफाइल है. इसमें जो वुड का हिस्सा है मैक्सिमम रखा गया है, लेकिन इसका जो टो का हिस्सा है वो काफ़ी थिन है. और मोस्टली ये बाउंसी पिचेस पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका का टूर या इंग्लैंड टूर अभी चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें देखेंगे तो मोस्टली जो इंग्लिश क्रिकेटर्स होंगे उनके जो बैट के टोज होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, क्योंकि वहाँ जो बॉल है बहुत हाइट पे आता है, आपका बेस हाइट से ऊपर रहता है. तो मोस्टली इंग्लिश प्लेयर्स या ओवरसीज प्लेयर्स जो होते हैं वो थिन टो के साथ खेलना पसंद करते हैं, और जो मैक्सिमम वुड हिस्सा होता है वो बीच में रहता है. इसमें आपको 42 mm एजेस में मिलेगा और 67 mm का इसका स्पाइन है. नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कस्टमाइज बैट जो मैंने अपने लिए डिज़ाइन करवाए हैं. तो चलिए मैं उसका रिव्यू आपको देता हूँ. सबसे पहले मैं इसके हैंडल के बारे में बताना चाहूँगा. ये एक ओवल शेप हैंडल है जो कि मोस्टली क्रिकेटर यूज़ करते हैं. ओवल शेप हैंडल जो हैं वो प्लेयर प्रेफर करते हैं जो वी में खेलते हैं और फ्रंट फुट और बैक फुट प्रॉपर प्लेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं. सो अब इसके प्रोफाइल की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है ये, विथ 40 mm ऑफ एजेस. इसके एजेस जो हैं वो 40 mm हैं, स्पाइन 65 mm, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है. और ये भी एक डकबिल प्रोफाइल है, आप देख सकते हो मैसिव प्रोफाइल है, स्पाइन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है. ये इसका सेकंड हिस्सा है. मैं बात करता हूँ इसके ग्रेन्स के बारे में. दिस इज द ग्रेन, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अराउंड 10 to 11 ग्रेन्स आर देयर इन दिस बैट. एंड लेट्स टेस्ट द पिंक, इसका पिंक कैसा है तो वो देख लेते हैं ओल्ड बॉल के साथ.
यूजुअली जो पिंग टेस्ट होता है वो न्यू बॉल के साथ करते हैं, लेकिन मैंने एक ओल्ड बॉल लिया है तो ओल्ड बॉल के साथ देखते हैं इसका पिंग का। वाओ, मैसिव साउंड, बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डब्ल्यू प्रोफाइल क्रिकेट बैट के बारे में। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी एक बैट का रिव्यू बाकी है और वो बहुत ही स्पेशल बैट है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो प्रोफाइल कौन से क्रिकेटर यूज़ करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल का आइकन यहाँ आ रहा होगा, आप इसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। सजेशन में दो वीडियोस आ रही होंगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।